आज इमरजेंसी की 43वीं बरसी है। इमरजेंसी वो दिन था जब देश एक ऐसे अंधेरे में डूब गया था जहां सरकार के विरोध का मतलब था जेल। तब पूरा भारत इंदिरा गांधी की जंजीरों में सिसक रहा था। बीजेपी आज पूरे देश में इमरजेंसी की बरसी पर काला दिवस मना रही है। मोदी सरकार के 25 मंत्री 25 शहरों में इमरजेंसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन आज इमरजेंसी पर सबसे तीखा और जबरदस्त प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुंबई में इमरजेंसी पर रखा गया एक कार्यक्रम जिसका विषय था आपातकाल लोकतंत्र पर आघात। पीएम मोदी ने कहा, गांधी परिवार के सत्ता सुख के लिए पूरे देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि जब जब कांग्रेस की कुर्सी खतरे में आती है वो चिल्लाने लगी कि देश संकट में है। पीएम मोदी ने बताया कि कांग्रेस की आलोचना के लिए बीजेपी काला दिवस नहीं मना रही, जनता को जागरूक करने और खुद को सजग रखने के लिए इमरजेंसी का काला दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी बदलाव नहीं आया है। न्यायपालिका को डराने के लिए चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव इसी की पहचान है। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, उनकी सरकार के 25 मंत्री और बीजेपी नेता आपातकाल पर देश के 25 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार कर रहे हैं। जयपुर में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि आपातकाल की कहानी स्कूल सिलेबस में शामिल की जाएगी ताकि आज की पीढ़ी इमरजेंसी के बुरे दौर को समझे। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, सच्चाई जान सके। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर हमला किया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी है, पत्रकार किसान दलितों में भय का माहौल है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार को इमरजेंसी पर नहीं अच्छे दिन के लिए वोट मिले थे, 4 सालों में कुछ किया ही नहीं। अब पीएम मोदी लोगों को मुद्दे से भटका रहे। कांग्रेस ने कहा कि आज अगर संकट में कोई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। राम के नाम पर इस देश में सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ वो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन अब संतों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम दे दिया है। कल योगी महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिवस पर अयोध्या में संत सम्मेलन में पहुंचे थे। मंच से ही रामविलास वेदांती ने यह कह दिया कि 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो बीजेपी रसातल में चली जाएगी। वेदांती ने कहा कि चूंकि ढांचा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर ही गिरा दिया गया था, इसलिए मंदिर निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना ही शुरू हो सकता है। इस पर योगी ने कहा कि धैर्य रखें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मंदिर निर्माण शुरू होगा। लेकिन संतों ने उन्हें याद दिलाया कि जब वो सीएम नहीं थे तब कहा करते थे कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही राम मंदिर का निर्माण होगा। इस रस्साकशी पर कैफी आजमी की उस कविता की पंक्तियां याद आ जाती हैं। राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। कांग्रेस जिस सांप्रदायिकता का विरोध करती नहीं थकती, ऐसा लगता है 2019 के चुनावों में उसी सांप्रदायिकता को कांग्रेस अपना ढाल बनाना चाहती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने कश्मीर मुद्दे को सांप्रदायिकता के मुद्दे से जोड़ दिया है। कपिल सिब्बल ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखा है कि बीजेपी कश्मीर में सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है। सिब्बल का कहना है कि बीजेपी 2019 के चुनावों से पहले कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएगी। 370 के बहाने बीजेपी कश्मीर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी और इसके बाद 2019 से पहले बटा हुआ कश्मीर बीजेपी के लिए आग में घी का काम करेगा। इसके जवाब में बीजेपी ने सिब्बल को सैफुद्दीन सोस के बयान की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस की यही सोच असल में सांप्रदायिक है, बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। अगर आपने कभी पासपोर्ट बनवाया है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि एक पासपोर्ट बनवाने में आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं, और जिस दिन पासपोर्ट हाथ में आता है उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई मुश्किल जंग जीत ली गई हो। लेकिन अब पासपोर्ट बनवाने की दिक्कतें बीते दिनों की बात होने वाली हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई नियमों को आसान कर दिया। अब आप मोबाइल ऐप के जरिए भी देश में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पासपोर्ट के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी। अब तलाकशुदा महिला से उसके पूर्व पति का नाम भी पासपोर्ट के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। और सुनिए,
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब आधार और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों पर लिखी जन्म तिथि को ही मान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अनाथालय के बच्चों के लिए वहां का मुखिया जो जन्म तिथि देगा वही मान्य होगी। साधु संन्यासियों के मामले में उनके माता पिता की जगह गुरुओं के नाम मान्य होंगे। इतने आसान नियमों के बाद तो इसे पासपोर्ट क्रांति ही कहा जाएगा। दुनिया का कोई इंसान दावा नहीं कर सकता कि उसे मौत नहीं आएगी। हर इंसान को मौत का स्वाद चखना है, लेकिन मौत कब और कहां आएगी किसी को नहीं पता। दिल्ली से सटे नोएडा में 40 साल का एक शख्स सुबह टहलने के लिए निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका पीछा कर रही है। ठीक उसी वक्त पीछे से एक कार ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो कई फीट दूर उछलकर एक पेड़ से टकरा गया। शायद उस शख्स की जान बच भी जाती, लेकिन कार में बैठे लोगों की इंसानियत मर चुकी थी। वो कार से बाहर निकले, घायल व्यक्ति को देखा, उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय वो कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। तुरंत इलाज नहीं मिलने पर उस घायल व्यक्ति की मौत हो गई। सीसीटीवी की तस्वीरों की मदद से पुलिस कार में सवार लोगों की तलाश कर रही है। एक और सड़क हादसे का वीडियो दिखाते हैं। अगर किसी कार की कीमत 5 करोड़ हो तो उस कार में कुछ तो ऐसी खासियत होगी जिसकी वजह से उसकी इतनी ज्यादा कीमत रखी गई हो। इतनी महंगी कार खरीदने वाला कम से कम ये तो उम्मीद करेगा ही कि 5 करोड़ की कार एक सस्ती कार से टकराने के बाद चकनाचूर ना हो। टीवी स्क्रीन पर आप हादसे का जो वीडियो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दरअसल चाइना का है। एक महिला ने करीब 5 करोड़ की फरारी कार खरीदी और कार लेकर जैसे ही वो शोरूम से निकली, कार पर से उसका नियंत्रण खो गया। उसके बाद ये कार सीधे रोड बैरियर को तोड़ते हुए एक दूसरी कार से जा टकराई। टकराते ही 5 करोड़ की फरारी कबाड़ में बदल गई। जी हाँ, 5 करोड़ की कार 5 सेकंड में चकनाचूर हो गई, और वो भी एक मामूली सी कार से टकराने के। मदर इंडिया फिल्म तो आपने देखी होगी। फिल्म में अभिनेत्री नरगिस अपने बच्चों को पालने के लिए खेत में बैल की जगह खुद हल से जुट जाती थी और खेत जोतने लगती है। कुछ ऐसा ही सीन यूपी के संभल में देखने को मिला, लेकिन यहाँ मकसद कुछ और था। यहाँ कुछ महिलाएं हल खेत में जोतने लगी और इन महिलाओं में बूढ़ी महिलाएं भी शामिल थी। असल में इन महिलाओं ने इंद्र देवता को मनाने के लिए खेतों में हल चलाए। संभल जिला सूखे के कगार पर है। कुएं, तालाब और नलकूप वहां पर सूख चुके हैं। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। किसान हर रोज बरसात की उम्मीद लिए आसमान पर टकटकी लगाए रहते हैं। बारिश की कामना के लिए ही महिलाएं किसान बनकर आधी रात में खेतों में हल चलाकर पूजा पाठ कर रही हैं, ताकि इंद्र देवता खुश हो सके। इन्हें देखकर हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर सरकार ने पहले से ही सिंचाई के साधनों का इंतजाम किया होता तो इंद्र देव को खुश करने की ये नौबत ही नहीं आती। आंध्र प्रदेश में एक टीडीपी विधायक ने शमशान में रात बिताकर सबको हैरानी में डाल दिया। गोदावरी जिले से टीडीपी विधायक निमाला रामानायडू ने भूत प्रेत का डर भगाने के लिए ऐसा किया। दरअसल शमशान में कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन भूत प्रेत के डर से मजदूर वहां काम नहीं कर रहे थे। इस अफवाह का पता चलते ही विधायक ने शमशान में सोने का फैसला किया। शुक्रवार रात विधायक ने शमशान में खाना खाया और वहीं सो भी गए। इस शमशान के पुनर्निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन मजदूरों के डर की वजह से यहां काम धीमी रफ्तार से चल रहा है। इश्क करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नाजायज इश्क बहुत महंगा सौदा है। दिल्ली में मेजर की पत्नी शैलजा के कातिल आरोपी मेजर हांडा के बारे में कई नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेजर हांडा और शैलजा की दोस्ती 2015 में फेसबुक के जरिए हुई। तब तक मेजर और हांडा को ये पता नहीं था कि शैलजा आर्मी में मेजर की पत्नी है, क्योंकि शैलजा ने तब निखिल को बताया था कि उसका पति SBI बैंक में काम करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद निखिल को पता चल गया कि शैलजा का पति मेजर है। पुलिस के मुताबिक मेजर हांडा को कोई अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता था। पार्टी या क्लब में दोस्ती होने के बाद वो अक्सर लोगों के घर बिन बुलाए ही